नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का जीके महात्म जी में। दोस्तों आज हम याद रहेंगे महासागरों में बहने वाली ठंडी जलधाराएं और इन्हें हम ट्रिक से याद करेंगे और ये आपको चुटकियों में याद होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। दोस्तों इससे पहले हम महासागरों में बहने वाली जलधाराओं पर ट्रिक बना चुके हैं, कौन सी जलधारा किस महासागर में बहती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका लिंक हम आपको आई बटन में दे देंगे या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वो देख सकते हैं। देखिए हमें ठंडी गर्म दोनों जलधाराओं को याद करने की जरूरत नहीं है, हम ठंडी जलधारा को याद करेंगे, बाकी जो बच जाएगी वो गर्म जलधारा है। अब देखिए ठंडी जलधाराओं में स्टार्टिंग मारा है ठंडी। अब ठंडी को हम रिलेट करेंगे, बोल देते ना कि यार ये तो ना बिल्कुल शांत स्वभाव का, बिल्कुल ठंडे स्वभाव का है, ये बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता, बिल्कुल भी गर्म नहीं होता, ये तो बिल्कुल ठंडा है, बिल्कुल शांत स्वभाव का है। तो सबसे पहले है कनारी जलधारा, कनारी यानी कि किनारे लगा देना। देखो भाई जो ठंडे स्वभाव का होता है ना उसे सब किनारे लगा देते हैं, उसको कोई नहीं पूछता, सब किनारे लगा देते हैं, चल चल चल। और जो थोड़ा गर्म स्वभाव का कड़ू होता है उसको सब हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते हैं। तो जो बेचारे ठंडे स्वभाव का होता है ना उसे सब क्या करते हैं, किनारे लगा देते हैं, यानी कनारी जलधारा हो गई ठंडी। अब नेक्स्ट है लेब्राडोर जलधारा, इसका बन जाएगा लेब्राडोग। अब बंदा कह रहा है ये भाई मैं तेरे घर तो आना चाहता हूं लेकिन जो तेरा लेब्राडोग है ना उससे मुझे डर लगता है। क्या मेरे लेब्राडोग से डर लगता है? अरे वो तो बिल्कुल ठंडे स्वभाव का है, वो तो बिल्कुल शांत है, किसी से कुछ नहीं कहता, बिल्कुल ठंडे स्वभाव का मेरे भाई, मेरे लेब्राडोग से मत डर तू। तो लेब्राडोग हो गया ठंडे स्वभाव का, यानी कि ठंडी जलधारा। नेक्स्ट कैलिफोर्निया की जलधारा। अब देखिए कैलिफोर्निया में आ रहा है फोनिया, फोन। अब बंदे ने ऑफिस से बंक कर लिया, ठीक है, मौज मस्ती कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, अचानक से ऑफिस से फोन आ गया बॉस का। फोन को देखते ही बंदा ठंडा हो गया, बिल्कुल बिल्कुल सुन्न हो गया, सुन्न पात में चला गया, बिल्कुल ठंडा हो गया कि भाई अब मारे गए, ऑफिस से फोन आ गया अब मारे गए। तो कैलिफोर्निया जलधारा हो गई ठंडी जलधारा। नेक्स्ट पेरू की जलधारा, इसे हम्बोल्ट की जलधारा भी बोलते हैं, ये भी ठंडी जलधारा है। अब देखिए ठंडी में जब ज्यादा ही टेम्परेचर डाउन चला जाता है, ठंडी ज्यादा पड़ती है, तो पेरू यानी कि पैर ऐसे कपकपाने लगते हैं, पैर दर 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 दर, और हम बोल्ट हम बोल भी नहीं पाते, कप कपी चढ़ जाती है, अरे कब चाय बना, कप कपी चढ़ जाती है, हम बोल नहीं पाते और हमारे पैर थर 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 कांपने लगते हैं, कब, जब ठंडी होती है। तो ठंडी जलधारा हो गई पैरू से संबंधित, हम बोल्ट से संबंधित। दोस्तों फनी जरूर है लेकिन हमारा मकसद तो मेरे भाई इनको याद करना है, इस तरीके से हम याद करेंगे तो बहुत लंबे समय तक इन्हें नहीं भूल पाएंगे। वीडियो हेल्पफुल लग रही है ना तो लाइक भी कर दिया करो मेरे भाई। अब नेक्स्ट देखिए फॉकलैंड जलधारा और ग्रीनलैंड की जलधारा। और आपने नाम सुना होगा आइसलैंड, जहां आइस ही आइस होती है, बर्फ ही बर्फ, वहां क्या होगी, ठंडी ठंडी होगी। तो उसके पीछे आया लैंड और यहां फॉकलैंड आ रहा है ग्रीनलैंड, और किसी भी जलधारा के पीछे लैंड नहीं आ रहा, तो ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। फॉकलैंड और ग्रीनलैंड की जलधारा कैसी हो गई, ठंडी जलधारा। नेक्स्ट है बेंगुएला की जलधारा, ये भी ठंडी जलधारा है। अब बेंगुएला का बन जाएगा बेगुना, बेंगुएला बेगुना। अब बंदा कह रहा है कि भाई मैं जब तक अपने आप को बेगुना साबित नहीं कर देता ना मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी, मैं ठंडे से नहीं बैठूंगा, मैं अपने आप को बेगुना साबित करके रहूंगा। तो बेंगुएला जलधारा हो गई ठंडी जलधारा। नेक्स्ट ओयाशिया जलधारा, ये भी ठंडी जलधारा। देखिए इसका क्या बन जाएगा, ओ या ओ यार, सिया का सिट, ओ यार सिट, आज तो बहुत ठंडी है, आज तो मैंने जैकेट भी नहीं पहना, ओ यार सिट। तो ओयाशिया जलधारा हो गई ठंडी जलधारा। अब नेक्स्ट है देखिए क्यूराइल जलधारा, ये ठंडी है, और क्यूरेशिया जलधारा ये गर्म है। देखिए इनके सिमिलर से नाम तो इसलिए हमने इनको साथ साथ लिखा ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए अच्छे से। देखिए क्यूराइल जलधारा ठंडी है और इससे मिलती जुलती नाम से जलधारा है क्यूरेशिया। अब देखिए इसमें वही सारी है क्यूरेशिया, जैसे बंदा गर्म होके कह रहा हो क्यूरेशिया 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 मुझे गाली क्यों दी क्यूरेशिया, जैसे अकड़ रहा हो गर्म हो रहा हो। तो क्यूरेशिया जहां आए वो समझ लेना बंदा अकड़ रहा था गर्म हो रहा था, तो वो हो गई गर्म जलधारा। बाबू भैया क्यूरेशिया मुझसे पंगा ले रहा, बाबू भैया क्यूरेशिया। अब नेक्स्ट देखिए पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा, ये ठंडी है, और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा ये गर्म है। तो पश्चिमी और पूर्वी में आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं तो ये कंफ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा। अब देखिए पश्चिम, जब सूरज पश्चिम में चला जाता है तो क्या होता है, धूप चली जाती है और धीरे धीरे ठंड शुरू हो जाती है, कब, जब सूर्य पश्चिम में चला जाता है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा हो गई ठंडी, क्यों, क्योंकि मेरे भाई सूर्य पश्चिम में चला गया तो ठंडी शुरू हो जाएगी ना। नेक्स्ट है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। अब देखिए यहां पर सूर्य पूर्व में है, यानी कि अभी अभी उदय हुआ है, वो ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा,
गर्म होगा, दिन भी गर्म होगा तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा हो गई गर्म जलधारा, और सूर्य पश्चिम में चला गया तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो गई ठंडी जलधारा। तो इस तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के हमने अपनी ट्रिक कंप्लीट कर ली और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इजीली याद भी हो गया होगा। अगर फिर भी कुछ कमी रह गई तो एक बार इसका रिवीजन आप कर लीजिए, आपको इजीली याद हो जाएगा। और ये हम आपको करवा ही चुके हैं कि भाई कौन से महासागर में कौन सी जलधारा बहती है, बिल्कुल इजी ट्रिक के साथ आपको कवर करवाया। और उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल देंगे, तो वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। और इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी सुझाव, कोई भी विचार, तो प्लीज कमेंट्स कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।